स्किन केयर करने का सही तरीका क्या होता है, यही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना पूरा। ये ओशिया हर्बल का पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस वॉश है। आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हो, मैं यही यूज करती हूँ। आप अपने फेस वॉश को इस तरह से लें और उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड करें, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर आपके चेहरे को ब्राइटन लाइटन करने में हेल्प करेगा और आपके चेहरे के दाग धब्बों को भगाने में भी हेल्प करेगा। और मैं अपने फेस को ऐसे वॉश करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच बेसन लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी भी ऐड किया है। और अब मैं इसमें छोटा ही चम्मच थोड़ा सा नीम पाउडर ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसमें एक छोटा चम्मच ही शहद का भर के डालूँगी, क्योंकि शहद इसमें ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही है। और इसमें मैं एक छोटा चम्मच ही दही का भर के डालूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स होने के बाद ये इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। और अब मैंने अपने फेस को गीला कर लिया है, अब मैं इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी। आप इसको पूरा ध्यान से देखना और इसको मैं 5 मिनट तक रब करूँगी अपने चेहरे पे। मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड किया है। मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे को लाइटन अप करने में हेल्प करेगी। अगर आपके चेहरे पे एक्सेस ऑयल आता है तो उसको भी हटाने में मदद करेगी। कॉफ़ी आपके चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है और आपके कलर को ब्राइटन करने में भी हेल्प करता है, लाइटन करने में भी हेल्प करता है। और इसमें मैंने नीम पाउडर ऐड किया है, क्योंकि नीम पाउडर आपके एक्ने को आने से रोकता है और जो हो गया है उसको ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। और इसको मैं यहाँ पे अच्छे से रब करूँगी। आप देख सकते हो मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है। और इसमें मैंने शहद ऐड किया है, दही ऐड किया है, ये दोनों ही हमारे चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी कई बार ड्राई कर देती है। लेकिन मैंने ये दोनों चीज़ इसीलिए इसमें डाली है ताकि हमारे फेस को ज़्यादा ड्राई भी ना करे, ज़्यादा ऑयली भी ना रहे, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। आप इसको यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। मुझे ये सब चीज़ें शूट करती हैं इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ये मेरे पास बच गया था, मैंने इसको फेस पैक की तरह भी यूज कर लिया। आप भी ऐसे कर सकते हो, अगर आपके पास बच जाए या एक्स्ट्रा बना हो आप इसको अपने फेस पर अच्छे से फैला लो और इसको 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना। एकदम बेस्ट वाला मास्क बन जाएगा आपके लिए। मैंने भी ऐसे ही किया है। और 10 मिनट के बाद आप इसको धो लेना अच्छे से और अपने फेस को अच्छे से वेट कर लेना एक साफ़ सुथरे हैंकी के साथ या फिर आपके पास अपना कोई टॉवल हो तो। और उसके बाद आप मेरी स्किन को अच्छे से देख सकते हो कितनी ज़्यादा शाइन कर रही थी गाइस। ये देखो कितने अच्छे से शाइन और स्मूथनेस आ गई थी, मुझे करने में भी बहुत मज़ा आया था इसको। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है गुलाब जल। ये हमारे फेस को टोन करने का काम करेगा, जो हमारे पोर्स ओपन हो गए उनको ये मिनिमाइज करेगा। इसको टैप टैप करके ही लगाना होता है, आप भी ऐसे लगाएं, इसको वैसे ही लगाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है मॉइस्चराइज योर फेस। मैंने यहाँ पे 2 क्रीम रखा है और इसमें एलोवेरा जेल भी है और क्रीम भी है। आपके पास कोई भी क्रीम हो आप वो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल को यूज करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एलोवेरा जेल बहुत शूट करता है और अच्छे से मेरी स्किन में पेनिट्रेट भी हो जाता है। मैं इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाऊंगी। आप भी यूज कर सकते हो एलोवेरा जेल अगर आपको शूट करता हो तो। मुझे ये बहुत पसंद है और ये मैं आँखों पर थोड़ा सा मसाज दूँगी, इससे हमारी पलकें घनी होती है, लंबी होती हैं। और उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्किन का हिस्सा होता है, स्किन केयर का जो हिस्सा होता है, वो होता है हमारा सनस्क्रीन, जो कि हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोगों को लगाना चाहिए। हमारी स्किन टोन के हिसाब से, इंडियन स्किन टोन जैसी है हमारे, उसके हिसाब से हमें लगाना चाहिए। क्योंकि स्किन में अगर सनस्क्रीन नहीं रहेगा तो सूरज की जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो आपको हार्म करेंगी। इसलिए अपनी स्किन को बचाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए सनस्क्रीन का यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अपने फेस पर इस तरह से सनस्क्रीन को फैला करके लगाएं। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, ये मैंने मामा अर्थ की सनस्क्रीन लगाई है। ये ऑप्शनल है, आपके पास आप कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। ये देखो मेरा फेस। उसके बाद लास्ट बारी आती है हमारे लिप केयर की। ये भी ऑप्शनल है, आपके पास अगर कोई वैसलीन है तो वैसलीन यूज करो। मेरे पास लिप बाम था, मैंने लिप बाम यूज किया। ओके गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइस।